पेश है मुमरा का आलीशान ढाबा, जहां का स्वाद आपको छू जाए और आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहां पर क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्पेशल डिश में पाए चिकन अचारी ड्राई, चिकन हाउसिंग ड्राई, सलोनी ड्राई, हफ्सा राइस और भी लजीज पकवान, बेवरेज आइसक्रीम और फालूदा, फ्री होम डिलीवरी। इसके अलावा दस्तरखान, फैमिली रूम, वलीमा और बर्थडे सेलिब्रेशन स्पेस अवेलेबल। तो आज ही आए आलीशान फैमिली ढाबा। मुमरा के शिवाजी नगर में आज दोपहर के वक्त आग लगने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ऊपर से हाई टेंशन वायर गया हुआ था और वायर पतरे से टच होने की वजह से दो मकानों में आग लग गई है, जिसमें दो बच्चे, एक महिला और एक जेंट्स की झुलसने की भी खबर सामने आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आग लगने की घटना की वजह से आसपास के मकानों को भी खाली करा दिया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंच गई है। दरअसल यहां पर ऊपर की तरफ से हाई टेंशन वायर गया हुआ है और इसके नीचे ही ग्राउंड प्लस वन बनाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन वायर पतरे से टच हुआ और धमाके के साथ आग लग गई, मगर टाटा पावर के कर्मचारियों का कहना है कि हाई टेंशन वायर से आग नहीं लगी है। इस आग की घटना में दमकल विभाग ने एक घर में वक्त रहते ही सिलेंडर को बाहर निकाला, वरना यहां भी ब्लास्ट हो सकता था। आग से झुलसने की वजह से दो बच्चे और एक महिला, एक जेंट्स ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। जिन दोनों घरों में आग लगी थी, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया है। मेरा नाम जाहिद शमसुद्दीन खान। अच्छा, यहाँ पर आग लगने की घटना हुई, दरअसल कैसे आग लगी इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? यहाँ पे दरअसल है ना, आगे जो पोल है जो जगड़ेशाल की तरफ है, वहाँ पे लॉक में ब्लास्ट हुआ। कई लोगों ने देखा वो लॉक में ब्लास्ट होने के कारण दोनों वायर एक बैग नीचे आया। नीचे आने के वजह से ये दोनों रूम के संपर्क में, इलेक्ट्रिक इनकी भी लाइट चालू थी, वो संपर्क में आने की वजह से इसमें आग लग गई, ब्लास्ट चालू हो गया। कितने घरों में आग लगी? लगभग दो घर में, एक पहले रूम नंबर में और एक साथ रूम नंबर में आग लगी है। जैसे पहले रूम नंबर में एक लड़का, एक आदमी और एक औरत और एक उसकी छोटी बच्ची जली है, और जो सात रूम नंबर में उसमें किसी में किसी को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उनके रूम में थोड़ा सा ज्यादा जले है। मतलब कैसे है, ज्यादा जले है या कैसे? नहीं, मतलब लेडीज बोलते हैं कि एक साइड से थोड़ा ज्यादा जल गई है, बच्ची नॉर्मली जली है, आदमी भी उसको बचाते समय थोड़ा सा जल चुका है। अभी जैसे टाटा के कर्मचारी यहाँ आके बोल रहे हैं, ये रूम की हाइट बढ़ाने की वजह से ये हादसा हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना? जब ये रूम बनाया गया है ना भाईजान, तो ये पतरे के 7 फीट ऊपर था टाटा वायर, और आप अभी नजर मार के वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि टाटा वायर पतरे के ऊपर ही है जस्ट। तो ये रूम कभी बना? ये रूम, एक रूम बना ये 3 साल पहले, वो रूम बना 4 साल पहले, और आगे के रूम बने 9-10 साल पहले। अगर हादसा होना होता तो उसी वक्त होता, 1-1.5-2 महीने में होता, बनाते वक्त होता। आज क्यों हुआ? आज मैंने जब उनसे पूछा कि भाई वायर नीचे, तो बोले भाई हमारा मेंटेनेंस करेंगे कैसे, उनका जवाब ये, अरे मेंटेनेंस करने का मतलब कि ये गलती तुम्हारी है। आज तुम पुलिस वाले को बोल रहे कि हमारी गलती नहीं है। पहले ये वायर कितने ऊपर था? 7 फीट ऊपर था पतरे से, अभी एकदम टच हो गया। अब आपके सामने है कि ये 1.5 फीट भी ऊपर नहीं है, देख लीजिए कि पतरा। और आगे की बिल्डिंग से अगर आप चढ़ के देखोगे तो आगे से लेवल ये तार का बराबर है, पर जहाँ से लॉक टूट के नीचे आया है दोनों रूम के जस्ट ऊपर ही वायर आ गया है।